नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 1 सितंबर 2022 एंड हमारे करंट अफेयर्स के सोर्सेज हम लोग असम ट्रिब्यून एंड अदर नेशनल डेलीज को भी यहां पर फोकस करेंगे और पूरा जो पीडीएफ रहेगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहां पर न्यूज़ में आता है, द हिंदू से लिया गया है रिगार्डिंग पंचायत या फिर सरपंच राज। नाउ एक्चुअली में होता क्या है ये देखो, रिसेंटली आपने आप लोगों में से किसी ने भी एक वेब सीरीज निकला था पंचायत, देखा है वो? उसमें क्या हुआ था ना, उन्होंने एक्चुअली में जो रियलिटी ऑफ इंडिया है उस चीज़ को दिखाया था। देखो क्या होता है ना, पंचायत में आपको पता है दैट वुमेंस का रिजर्वेशन होता है, राइट? कहीं कहीं पे 33% होता है और जैसे कुछ कुछ में, जैसे पंजाब ने इंप्लीमेंट किया 50% रिजर्वेशन फॉर द वुमेंस इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है? मतलब सोचो क्या हुआ, जो सरपंच जो इलेक्ट किया जाता है ना, सोचो ये महिला है ना, मतलब इलेक्शन जीत रही है महिला, बट एक्चुअली में जो भी डिसीजंस लिया जाता है ना उनके द्वारा नहीं लिया जाता, इनके हस्बैंड के द्वारा लिया जाता है। मतलब जो सरपंच लोगों का मीटिंग भी होता है ना, उसमें भी ये महिला नहीं बैठती है, उसमें भी इनके हस्बैंड को बैठना पड़ता है। मतलब समझ रहे हो कितना पेट्रियार्कल सोसाइटी है, दैट लेडीज हैं तो इसलिए लेडीज को ये मौका ही नहीं दिया जा रहा, उसके हस्बैंड बैठेंगे, ये क्या है भाई, है ना? और वही चीज तो यहाँ पर फोकस किया गया है दैट ये पंचायत या फिर सरपंच पति किसको बोला जा रहा है, सरपंच पति, उन सरपंच के पति को बोला जा रहा है सरपंच पति, जो क्या मेन रिलेटिव है, ज्यादातर ये हस्बैंड्स ही होते हैं, है ना? और किनका, वो इलेक्टेड वुमेन का, ठीक है? और वो वुमेन ये मेजर डिसीजंस नहीं लेती, रादर उनके हस्बैंड लेते हैं या फिर उनके वो मेल यू नो एसोसिएट लेते हैं, सिर्फ वो साइन जो होता है ना कागज वाला साइन, वो सिर्फ वुमेन का होता है, समझ रहे हो बात? सो वही चीज है पंचायत पति, दैट इज बोला गया क्या होता है दैट मोस्ट ऑफ द वुमेन्स पंचायत दे डू नॉट अटेंड द मीटिंग दैट इज टेकिंग प्लेस एट द डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक या फिर विलेज लेवल, जिसमें उनका जरूरत होता है, राइट? तो इससे फायदा क्या हो रहा है भाई, देखो रिजर्वेशन दिया गया क्यों किया है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा वुमेन्स को। अरे भाई इसलिए दिया गया जिससे वो मेन स्ट्रीम में आए, बट अगर वो कुछ मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं रहे तो उनका फायदा क्या हो रहा है। इनफैक्ट एक स्टडी कैरी आउट किया गया था जिसमें बोला गया था दैट 80% से ज्यादा वुमेन सरपंचेस जो है दे आर प्रॉक्सी सरपंचेस, मतलब दे आर नॉट इन रियलिटी दे आर नॉट यू नो एस ए सरपंच, बट हाँ इस टाइप का प्रॉक्सी सरपंच है, काइंड ऑफ इलेक्ट तो हो जाती हैं बट एक्चुअली में कुछ ग्राउंड डिसीजन में काम नहीं करती है, समझ रहे हो बात? तो ये चीज होता है सरपंच पति, ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, दिमाग में याद रखिए, राइट? और रखिएगा क्यों, क्योंकि यू नो अभी रिसेंटली एक पंजाब गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया है जिसमें बोला गया है दैट मेल किन जो है ना वुमेन का, दे कैन नॉट अटेंड द मीटिंग ऑफ पंचायत, है ना, इस चीज को रोकने के लिए, इस सरपंच पति वाले कॉन्सेप्ट को रोकने के लिए, ठीक है? याद रखिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेटा गैदरिंग बाई पब्लिक एजेंसीज। देखो कुछ कुछ एक्सपर्ट्स ने जो हमारे देश में है, उन्होंने कुछ कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं, किसके रिलेटेड? अभी ट्रेंड देखा जा रहा है दैट गवर्नमेंट जो है ना, वो जो नॉर्मल इंसान का डेटा है उसको मोनिटाइज करने के पीछे तुली पड़ी है, सरकार को पैसे चाहिए, है ना? तो ये चीज के बारे में इशू रेज किया गया हमारे देश में। इनफैक्ट कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस के एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें डेटा कलेक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया, जैसे कस्टम डिपार्टमेंट ने मैंडेट कर दिया एयरलाइंस को दैट अगर कोई भी इंटरनेशनल फ्लायर्स है उनके पर्सनल डेटाज को सरकार के साथ शेयर करो। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लाया डिजी यात्रा के थ्रू, ये सब हम लोगों ने कुछ कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था, है ना? इनफैक्ट मीटी का ये प्रपोजल था टू शेयर नॉन पर्सनल डेटा जो कि सरकार के द्वारा कलेक्ट किए जा रहे हैं विद स्टार्टअप्स एज वेल एज रिसर्चर्स। ये क्या है भैया, है ना, आप नॉर्मल इंसान का डेटा को कैसे, नॉन पर्सनल डेटा जो भी हो, डेटा तो डेटा है ना भाई, कैसे आप शेयर कर पाओगे, है ना? इनफैक्ट सर्ट इन ने भी मैंडेट किया था दैट जितने भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स काम कर रहे हैं ना, सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको वो डेटा को स्टोर करना पड़ेगा अपने यूजर्स के डेटा को। अबे भैया तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या हुआ ये तो मतलब ही डिफीट कर देते हो। देखो वीपीएन लोग यूज क्यों करते हैं, जिससे क्या, जैसे आप अपने आईपी को अगर छुपाना चाहते हो ना तब आप वीपीएन यूज करो, वीपीएन का मतलब ही ये हुआ, है ना? बट अगर वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स अगर डेटा सरकार को देने लग गए तो उसका मतलब ही नहीं हुआ ना वीपीएन, उससे तो अच्छा नॉर्मल गूगल इस्तेमाल कर लो आप, है ना? मतलब नॉर्मल जो इस्तेमाल जो करते हो लाइक नॉर्मल वेब सर्विसेज, वही सब इस्तेमाल कर लो, तो वीपीएन का फायदा ही क्या हुआ,
है ना। बट हाँ, यही चीज़ बतला रहा हूँ दैट ये सब कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पर सरकार प्रमोट कर रही है डेटा कलेक्शन को। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 2021 में बोला था, गया था इसमें दैट टेलीकॉम ऑपरेटर्स और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को मेंटेन करना पड़ेगा कमर्शियल और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स। ये क्या है भैया, है ना, देखो अगेन डेटा को बोला जा रहा है ना इकट्ठा करो, है ना। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु, इसमें सारा डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उनके नाम को, उनके फ़ोन नंबर्स, लोकेशन को, है ना। इनफैक्ट कर्नाटक हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2020 में ये ऑर्डर किया था दैट ये जो ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, दिस कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी एज सच, राइट। मतलब कुछ कुछ वर्डिक्ट्स भी हुए थी वेरियस हाई कोर्ट्स की, तो वो भी बतलाया गया। इनफैक्ट कुछ दिन पहले का ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, सबसे हाई टेक न्यूज़ था ये IRCTC वाला। इनफैक्ट अगर आप लोगों में से कोई शेयर मार्केट को ट्रैक करते होंगे ना, तो जब सरकार ने बोला दैट हम मोनिटाइज करने वाले हैं पैसेंजर्स के डेटा को, तो अचानक से इसका शेयर का वैल्यू पटाख से बढ़ गया था, राइट। बट जैसे सरकार ने इस ऑर्डर को विड्रॉ लिया दैट नहीं नहीं हम लोग अभी के लिए इस डेटा को विड्रॉ करते हैं, अभी हम इनके पैसेंजर्स के डेटा को मोनेटाइज नहीं करेंगे, तब से फिर शेयर प्राइस ढपाक से गिर गया था नीचे। तो अगेन भले ही विड्रॉ कर लिया गया, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट सरकार कुछ देखो ये एफर्ट्स तो लगा रही है ना जिससे क्या डेटा को मोनेटाइज कर सके, पब्लिक डेटा को। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट 2020 में उन्होंने बल्क डेटा शेयरिंग पॉलिसी लाया था अंडर विच द मिनिस्ट्री यूज टू सेल व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटा और ड्राइविंग लाइसेंस डेटा टू प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक एंटिटीज, जिससे उस डेटा को मोनेटाइज किया जा सके। भले ही देखो तब वाला भी, लेकिन पॉलिसी को स्क्रैप जरूर किया गया था, देखो वो नहीं बात है, बट बात यह है दैट हाँ सरकार कहीं ना कहीं अटेम्प्ट तो ले रही है ना इन डेटा को मोनेटाइज करने को, दैट इज वॉट वी आर फोकसिंग हियर, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, इंडियन नेवी इंसिंग के बारे में बोला गया है। एक्चुअली रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बोला था एक नया नवल इंसाइन जो है दुनिया के देश के सामने रखेंगे। तो बेसिकली किस इंसिंग के बारे इंसाइन के बारे में बोला जा रहा है, ये वाला इंसाइन देख रहे हो यहाँ पे, देखो एक रेड टाइप का क्रॉस लगा हुआ है और यहाँ पर हमारे ट्राई कलर लगी हुई है। तो ये किसके लिया गया पता है, ये रेड क्रॉस ये इंग्लैंड से, मतलब ये कॉलोनियल लीगेसी का हम लोग चीज़ अभी भी इस्तेमाल कर किए जा रहे हैं, है ना, समझ लो। अब इंग्लैंड वाला पहले क्या था, यहाँ पर इंग्लैंड वाला क्रॉसिंग होता है, ठीक है, इंग्लैंड वाले में, बट अगेन क्योंकि इंडिया, तो ऑफकोर्स इंडिया का फ्लैग लगेगा यहाँ पर। बट वही चीज़ बोला गया है दैट ये जो रेड क्रॉस को कहा जाता है सेंट जॉर्ज क्रॉस, ये याद रखिएगा, दैट इज मोर देन इनफ। अब ये क्या है सेंट जॉर्ज क्रॉस, उतना भीतर में जाकर याद करके कोई फ़ायदा नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ। मेन चीज़ आपको यही याद रखना है दैट हाँ दिस इज व्हाट एक्चुअली दिस इज, दैट्स इट। नेक्स्ट, क्लाउड सीडिंग। देखो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज और नॉर्थ अफ्रीका के कंट्रीज रेस लगा रहे हैं जिससे ऐसे कुछ केमिकल्स को डेवलप किया जा सके जिससे क्लाउड जो है मतलब रेनफॉल लाया जा सके। इनफैक्ट क्लाउड सीडिंग ये क्या होता है, ये एक टाइप है वेदर के मॉडिफाई करने का टाइप है, राइट। जिसमें यूजुअली क्या होता है, देखो हवाई जहाज से हवा में सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड या फिर ड्राई आइस को छोड़ दिया जाता है या फिर लिक्विड प्रोपेन को। अब इससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर आयोडाइड, ये क्या एज अ मैग्नेट काम करता है, ठीक है। मैग्नेट मतलब कैसे भैया, ये जो है ना ये वाटर ड्रॉपलेट्स को जो भी एटमोसफेयर में मॉइस्चर है उसको एक जगह इकट्ठा करेगी, और इकट्ठा करेगी तो ऑफकोर्स क्लाउड फॉर्मेशन होगा और ये एक समय के ज़्यादा जो क्लाउड अगर ज़्यादा भारी हो गया तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वजह बारिश हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यही है प्रोसेस क्लाउड सीडिंग का। अब इसका बेनिफिट क्या है, ऑफकोर्स इससे जो क्लाउड्स बनती है कभी कभी रेनफॉल है फिर स्नोफॉल, जिससे कि रेन वाटर सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाए, राइट। बट इसके कुछ कुछ डेंजर भी ऐसे बोला जाता है इन्वायरमेंट के ऊपर, है ना। जैसे बोला जाता है दैट सिल्वर आयोडाइड कैन बी टॉक्सिक टू एक्वाटिक लाइफ एज वेल, बट अभी तक जो भी एक्सपेरिमेंट कैरी फॉरवर्ड किए गए उससे तो एक्सपर्ट्स ने अभी तक एज सच इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं पाया है। इनफैक्ट अगर एक केस स्टडी हम लोग ले तो इंडिया में भी अगर बात करें ना दोस्तों, तो इंडिया में क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए थे इन सालों में भाई तमिलनाडु गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सीवियर ड्रॉट था। इनफैक्ट इन द ईयर 2003 एंड 2004 कर्नाटक गवर्नमेंट ने इनिशिएट भी किया था क्लाउड सीडिंग। तो हाँ इंडिया में भी ये सब एक्टिविटीज हुए हैं, एज सच नहीं है इंडिया में नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, जोम्बी आइस। क्या क्या नाम है ना जोम्बी आइस ना, ये है क्या, जैसे आपको पता होना चाहिए अंटार्कटिका में बहुत बड़े बड़े आइस शेल्फ है, ठीक है। अब सोचो इतना बड़ा अंटार्कटिका है, अब
ये वाला आई शेल्फ जो है इससे सोचो लगा हुआ है ना। बहुत समय क्या होता है ना, एक आई शेल्फ जो है अलग हो जाता है, हल्का सा अलग हो जाता है। अब देखो आई शेल्फ है तो मतलब क्या होगा ना, दैट ये मेन आइस से वो रिप्लेनिश होता रहेगा, बट बहुत समय एक कुछ कुछ ऐसे आइस के टुकड़े होते हैं जो क्या मेन वाले आइस मास से रिप्लेनिश होना बंद हो जाता है ना। और ये ऐसा हो जाता है ना हालत, दैट भले ही ये थिकर एरिया ऑफ आइस से अटैच ज़रूर है, बट ये रिप्लेनिश ही होना बंद हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट ग्लेशियर्स। अब रिप्लेनिश होना अगर बंद हो जाएगा तो पहले से इसमें जो स्नो होगा वो घटेगा, बिल्कुल घटेगा। अगर वो घट गया, अगर सोचो ये टूट कर अलग होकर ये बिल्कुल ही एकदम ध्वस्त हो गया, एकदम पानी में मिल गया, तब सोचो क्या होगा, पानी का लेवल नहीं जाएगा। वही तो बोला है, मीन सी लेवल जो है आने वाले समय में राइज होने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ज़ॉम्बी आइस के कारण भी। नेक्स्ट, स्नेक बाइट इन इंडिया, डाउन टू अर्थ से ये आर्टिकल उठाया गया था। बोला जा रहा है दुनिया में जो वेनमस स्नेक जो काटते हैं ना उसके कारण जो डेथ होती है उसमें इंडिया में जितना डेथ होता है ना दुनिया में, सोचो 100 लोगों की मृत्यु हो रही है तो 50 लोग तो इंडिया से ही मर रहे हैं। इनफैक्ट स्नेक बाइट्स आर क्लासिफाइड एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज वैसे डिजीज होते हैं जो कि ट्रॉपिकल रीजन के कंट्रीज में ही हमें देखने को मिलता है, और नेग्लेक्टेड इसलिए बोला गया ना क्योंकि इसके ऊपर कोई एज सच वैक्सीन या फिर दवाई उतना एफिशिएंट नहीं बना है। क्यों? क्योंकि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो सारे टेम्परेट रीजन वाले हैं। अब टेम्परेट रीजन में ज़्यादा स्नेक्स मिलता ही नहीं है, है ना, समझ रहे हो बात। तो अब ट्रॉपिकल रीजन में ही ये सब प्रॉब्लम है। अब देखो मेन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है वो विदेशों के दवाई के कंपनीज के द्वारा ही किया जाता है, हमारे दवाई की कंपनीज नहीं करती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, जिसके रिलेटेड कुछ ज़्यादा एज सच वैक्सीन या फिर ज़्यादा दवाइयाँ हमें नहीं मिलती है, ठीक है। स्नेक्स इन इंडिया कहा जा रहा है 300 स्पीशीज जो मिलते हैं उसमें 60 स्पीशीज तो वेनमस है, 60 ऐसे स्पीशीज है जिसमें जहर होता है, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया में एस्टिमेट किया जाता है 1.2 मिलियन स्नेक बाइट डेथ जो है सन 2000 से 2019 इन 20 सालों में हुआ है। मतलब एवरेज अगर पकड़िएगा कितना हो जा रहा है, 58,000 लोग मर रहे हैं हर साल। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का नेशनल टास्क फोर्स फॉर रिसर्च ऑन स्नेक बाइट इन इंडिया, तो उनके रिपोर्ट्स के थ्रू ये सब बेसिकली बोला भी गया है, राइट। नेक्स्ट, दिल्ली फॉरेंसिक एविडेंस इज मैंडेटरी। फॉरेंसिक एविडेंस क्या होता है पता है दोस्तों, पहले तो ये बता देता हूँ। जैसे देखो, जैसे सोचो आप कोई एक क्राइम वाला सिचुएशन है ना, अब क्राइम वाले सिचुएशन में वहाँ पे सोचो कहीं पर फिंगरप्रिंट मिल गया, वहीं पर सोचो कहीं पर एक ब्लड स्ट्रेन मिल गया है ना, या फिर किसी का बाल मिल गया, तो उनको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उनके ऊपर बेसिकली स्टडी की जाती है दैट ये किसका हो सकता है। तो इस टाइप के एविडेंसेस जो क्या कलेक्ट किए जाते हैं ना, जिससे क्रिमिनल इजीली पकड़े जा सकने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, उस टाइप के एविडेंसेस को फॉरेंसिक एविडेंसेस कहते हैं, है ना। एंड ऑफ कोर्स फॉरेंसिक एविडेंसेस के थ्रू बहुत सारे वायलेंट एज वेल एज ब्रूटल केसेस हैज बीन रिजॉल्वड सो फार। इनफैक्ट दिस फॉरेंसिक एविडेंसेस हैज आल्सो बीन हेल्पफुल इन डिकोडिंग द नॉन वायलेंट केसेस एज वेल, जैसे फ्रॉड और हैकिंग होता है ना, उस टाइप के केसेस भी फॉरेंसिक एविडेंसेस के थ्रू मिलते हैं, है ना, उसमें साइबर फॉरेंसिक्स किया जाता है, समझ रहे हो बात। तो अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ है दिल्ली में जो है ना फॉरेंसिक एविडेंस को मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर वैसे क्राइम्स जहां पर पनिशेबल जो ऑफेंस है वो 6 साल या फिर 6 साल से ज़्यादा हो तो, राइट। इसके लिए अलग अलग रीजन में फॉरेंसिक मोबाइल वैन अलॉट किए जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जिससे प्रोवाइड किया जा सके साइंटिफिक और फॉरेंसिक असिस्टेंस ऑन द स्पॉट कभी भी अगर नीड हो तो, ठीक है। इनफैक्ट ये जितने भी सारे फॉरेंसिक मोबाइल वैन्स होने वाला है ना, दे शैल नॉट बी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द पुलिस, नहीं 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 नहीं, रादर ये सब इंडिपेंडेंट एंटिटी होंगे जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा टू द कोर्ट ऑफ द लॉ, राइट। नाउ रिसेंटली जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का भी डेटा दिखाया था उसमें भी बताया गया था दैट 40% इंक्रीज हुआ है क्राइम अगेंस्ट द वुमेन इन दिल्ली, जो क्या अगेन कोई भी अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज ले लो हमारे देश में सबसे ज़्यादा है उसमें, ठीक है, तो याद रखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट, परख, PARAKH फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, परख।
राइट। नाउ ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है ऑफकोर्स एनसीईआरटी का, विच इज होल्डिंग पीरियोडिक लर्निंग आउटकम्स टेस्ट लाइक नेशनल अचीवमेंट सर्वेस, नेशनल अचीवमेंट यू नो सॉरी स्टेट अचीवमेंट सर्वेस। अब देखो ध्यान देना, ये एनसीईआरटी का कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है ना, और इसको एज अ रेगुलेटर बना दिया जाएगा जिससे जितने भी सारे स्टेट्स के मतलब बोर्ड एग्जाम्स होते हैं ना उसमें यूनिफॉर्मिटी हो सके। क्योंकि अब देखोगे आप, दैट सोचो सीबीएसई यू नो बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करती है, बिहार बोर्ड किया जाता है, आसाम बोर्ड के द्वारा किया जाता है, राइट, यूपी बोर्ड के द्वारा किया जाता है, तो सबकी स्टैंडर्ड्स अलग अलग है। इसके कारण क्या होता है, नंबर के एवरेज नंबर भी अगर देखोगे तो सीबीएसई में 99% चले जाते हैं, बट स्टेट बोर्ड्स में बहुत कम कम जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, क्या स्टेट बोर्ड वाले पढ़ने वाले नहीं होते क्या? बिल्कुल होते हैं ना, है ना। तो इनमें जो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इस परख को एज अ यू नो रेगुलेटर घोषित किया गया है, जो क्या नॉर्म्स सेट करेगी, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस बनाएंगी फॉर द स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवोल्यूशन फॉर ऑल द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड्स इन इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा जरूर। ठीक है, यही नहीं, इट विल ऑल्सो इनकरेज एंड हेल्प स्कूल बोर्ड्स जिससे वो शिफ्ट कर सके उनके असेसमेंट पैटर्न को थ्रू मीटिंग द स्किल रिक्वायर्ड ऑन 21st सेंचुरी। दे विल टैकल द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट ऑफ सम स्टेट बोर्ड्स बीइंग एट डिसएडवांटेज ड्यूरिंग द कॉलेज कमीशन एज वेल। सो ये सब तो खैर टेक्निकल बातें हैं, बट हाँ मेन चीज जो है वो आपको दिमाग में रखना है, दैट हाँ वो क्या पैटर्न को सेट करती है। परख को प्रपोज किया गया था एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, राइट। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक का स्पॉन्सर किया गया हुआ एक प्रोजेक्ट है, स्टार्स प्रोजेक्ट, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, राइट। इसका मेन एम यही है दैट कैसे क्वालिटी और गवर्नेंस स्कूल एजुकेशन में ऑफकोर्स बढ़ाया जा सके, है ना। तो उसी के लिए बेसिकली ये लाया गया है, ठीक है। प्रेजेंटली अगर देख लीजिएगा, डिफरेंट स्टेट्स एंड सेंट्रल बोर्ड्स फॉलो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ इवोल्यूशन, जिससे विच इज़ लीडिंग टू वाइड डिस्पैरिटीज इन स्कोर्स एंड कन्फ्यूजन्स अमंग यूनिवर्सिटीज़, जिससे वो सेट कर सके एडमिशन क्राइटेरिया को, ठीक है। तो एनीवेज ये तो चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट, सीड स्कीम। सीड स्कीम स्टैंड्स फॉर स्कीम ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, दैट इज डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ये जो सीड स्कीम इसलिए न्यूज में था ना, क्योंकि ये सीड स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन को डिले कर दिया गया है। क्यों भैया? क्योंकि अभी तक वेरियस ट्राइब्स के कैटेगराइजेशन को प्रॉपरली कैरी आउट नहीं किया गया। ना सवाल होता है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ये क्लासिफाइड है, तो इसको अभी तक सरकार के द्वारा क्लासिफाई नहीं किया गया, दैट कौन कौन डी नोटिफाइड में है, कौन कौन नोमैडिक ट्राइब्स में है, कौन कौन सेमी नोमैडिक ट्राइब्स में है, उसको आपने क्लियरली बोला नहीं है, ठीक है। तो एनीवेज ये डीनोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं DNTs, ये कौन होते हैं? ये वैसे कम्युनिटीज़ होते हैं जिनको ब्रिटिश रिजीम के द्वारा, ब्रिटिशर्स जब देश में थे ना, तब उनके द्वारा नोटिफाई कर दिया गया था इनको एज अ बॉर्न क्रिमिनल्स, मतलब जो भी इनके खानदान में पैदा हो दे आर क्रिमिनल्स, समझ रहे हो बात। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोलोगे, ड्रैकोनियन रोल आप बोल सकते हो। अब ऐसा कैसे, बच्चा कैसे कोई क्रिमिनल हो सकता है भाई? ठीक है, अगर कोई क्राइम एक्टिविटी करे तब क्रिमिनल एक्टिविटी दो ना आप। तो उन, अब जब हमारी सरकार बनी यू नो, अपने लोग सरकार में आए 1947 के बाद, तो इन्होंने बहुत सारे ट्राइब्स को डी नोटिफाई कर दिया। जो पहले नोटिफाइड थे ना एज अ क्रिमिनल्स, उनको डी नोटिफाई कर दिया, ठीक है। इसीलिए इन ट्राइब्स को डी नोटिफाइड ट्राइब्स बोला जाता है। अगर डेटा देखिएगा, 2006 में रेंक के कमीशन सेटअप किया गया था, उन्होंने इनके पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया था अराउंड 11 करोड़, और वो भी अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2001। इनफैक्ट 1262 कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया गया था एज अ डी नोटिफाइड या फिर नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ठीक है। सीड के बारे में अगर डिस्कस करें तो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, दैट इज डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। इसके अंदर इशू किए जाते हैं सब एप्लीकेंट्स को यूनिक IDs, और अगर इनके कैटेगराइजेशन में डिले हुआ, राइट, तो दैट इज़ द मेन रीज़न ड्यू टू विच सीड जो स्कीम है उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वह इम्प्लीमेंट कर रही है इस अम्ब्रेला स्कीम को, जिसके तहत एजुकेशनल अरीना, हेल्थ अरीना, हाउसिंग अरीना
है ना, इकोनॉमिक अरीना सब तरफ काम कर रही है। जैसे एडुकेशनल अरीना में अगर देख लीजिएगा तो इसके अंडर फ्री कोचिंग प्रोवाइड करने का प्रावधान है। हेल्थ अरीना में अगर देख लीजिएगा तो इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का प्रावधान है। हाउसिंग फैसिलिटीज़ अरीना में अगर देख लीजिएगा तो अगेन इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ को यह प्रमोट बहुत ज़्यादा करती है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है DNT पॉपुलेशन। ठीक है, दैट इज़ डी नोटिफाइड ट्राइब्स की पॉपुलेशन, जिसमें आप क्लियरली देख पा रहे हो दैट सबसे ज़्यादा जो है ना, ये रेड वाले रीजन में सबसे ज़्यादा डीनोटिफाइड ट्राइब्स है और ग्रीन वाले में जो है सबसे कम है, देख रहे हो। तो ये जस्ट एक पैटर्न दिया गया आपको दैट देश में किस किस राज्य में कैसे कैसे डीनोटिफाइड ट्राइब्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये न्यूज़ था दोस्तों, जेनेवा कन्वेंशन को लेकर, है ना। और इस जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने नोटिफाई किया है स्टैंडर्डाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इशुएंस ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ऐसा ड्राइविंग परमिट अगर आप ड्राइव करने आता है तो आपको इंटरनेशनली कोई भी देश में आप इस इंटरनेशनल मोटर ड्राइविंग परमिट को लेकर आप जा सकते हो और वहाँ पर ड्राइविंग भी कर सकते हो। क्योंकि क्या हुआ ना, इंडिया का लाइसेंस विल नॉट बी वैलिड फॉर अदर कंट्री, राइट। सो अनडाउटेडली इंडिया ने क्यों ऐसा डिसीजन लिया भाई, क्योंकि देखो इंडिया जो है ना सिग्नेटरी ऑफ द कन्वेंशन एंड इस कन्वेंशन का, दैट इज जेनेवा कन्वेंशन, जिसको हम लोग कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक ऑफ 1949 भी कहते हैं। अब जब सिग्नेटरी है तो इस टाइप के कानून तो आपको देश में लाने पड़ेंगे ना जी, है ना। जेनेवा कन्वेंशन के बारे में बात करो तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी साइन किया गया था 1949 में, जो क्या हेल्प करता है सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड सेफ्टी ऑफ इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक। एक चीज़ ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर लिख दिया यहाँ पे प्लीज़ नोट दैट जेनेवा कन्वेंशन जो है ना, वो डिफरेंट अदर मल्टीपल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी कंटेन करती है, जैसे रूल्स ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उसके रिलेटेड भी एक जेनेवा कन्वेंशन है। ठीक है, लिमिटिंग बारबरिटी ऑफ वॉर, उसमें भी जेनेवा कन्वेंशन है। इनफैक्ट अभी जो रिसेंटली यू नो रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रहा है, उसमें भी बहुत समय न्यूज़ आया था बीच बीच में जेनेवा कन्वेंशन का वायलेशन, जेनेवा कन्वेंशन का वायलेशन। ठीक है, तो अगेन ये सब भी चीज़ें ज़रूर से याद रखिएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन मत हो जाइए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, इंडियाज़ रोल इन यूनाइटेड नेशन। एक्चुअली क्यों न्यूज़ में था ना, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंडिया के रोल को काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया गया था वर्ल्ड फोरम में। इनफैक्ट उन्होंने बोला दैट इंडिया जो है ना वो सोर्स ऑफ प्राइड है। क्यों भैया, क्यों सोर्स ऑफ प्राइड है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया है। और इसी को चलते हुए उन्होंने बोला दैट यस, इंडिया इज़ अ सोर्स ऑफ प्राइड नॉट ओनली फॉर साउथ एशिया बट आल्सो फॉर पीस लविंग डेमोक्रेसीज, है ना। अच्छा, क्या क्या किया है भैया, क्योंकि इंडिया इट वॉज वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपार्थीड के इशू को रेज किया था। मतलब क्या हम बोल सकते हैं दैट यस, इंडिया डिड फाइट इट फॉर अगेंस्ट द इनजस्टिस, एब्सोल्युटली। पीस कीपिंग मिशंस, कहा जा रहा है मोर देन 2 लाख ट्रूप्स टू 49 यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस इंडिया के द्वारा भेजा गया था। इनफैक्ट इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने डिप्लॉय किया था ऑल वुमेन कंटिंजेंट टू यूनाइटेड नेशंस मिशन, और वो भी कहाँ पे, लिब्रिया में। ठीक है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, अरे भैया वो तो कोविड के समय ही हम लोगों ने देख लिया था, दुनिया इंडिया से कहाँ कहाँ नहीं वैक्सीन गया भाई, कहाँ कहाँ नहीं गया था। UNCTAD, इनफैक्ट इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप ऑफ UNCTAD। टेररिज्म की अगर बात करें तो इंडिया ने ड्राफ्ट किया था कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म भी। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की अगर बात करें तो यस, जनरल असेंबली इज द मेन डेलिब्रेटिव पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। प्रेसिडेंट जो होते हैं जनरल असेंबली के, उनको इलेक्ट किया जाता है हर साल, किनके द्वारा भाई, असेंबली के द्वारा ही, है ना। और कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, जब मैं बार बार बता रहा हूँ ईच ईयर, मतलब एक साल के लिए अपॉइंट किए जाते होंगे, कॉमन सेंस लगाओ, है ना। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ है। नेक्स्ट, लानीना कंडीशंस एंटर्ड थर्ड ईयर। लानीना के कारण जो है अभी जो दुनिया, मतलब अभी जो कंडीशंस चल रही है ना, तो आपको पता होना चाहिए ये कुछ कुछ ज्योग्राफिकल के टर्म है। एक होता है अल नीनो, एक होता है ला नीना। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल टर्म्स है, डोंट वरी गाइज, इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट, ऑफ कोर्स वी विल टेक एन एक्सक्लूसिव क्लास फॉर यू एज वेल, एंड इफ़ यू एट ऑल वॉन्ट टू सब्सक्राइब टू आवर क्लासेज देन एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स।
आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके कोई भी क्वेरीज को जो है यू नो एडमिशंस के रिलेटेड या फिर हमारे कोर्सेज के रिलेटेड इसको कंसर्न भी कर सकते हो. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू अप, डोंट वरी अबाउट इट, राइट. तो हाँ, जैसे कि मैं बोला था लानीना कंडीशंस जो है, दिस हैज एंटर्ड द थर्ड ईयर, दैट इज़ ये बहुत अनकॉमन फिनोमिना है ना. लानीना, देखो लानीना में होता क्या है, यूजुअली जो होता है ना, यूजुअली वेस्टर्न जो पैसिफिक है वो गर्म होता है, राइट. अलनिनो कंडीशन में क्या होता है, ईस्टर्न पैसिफिक गर्म हो जाता है. बट लानीना में क्या हो जाता है, वेस्ट जो नॉर्मल कंडीशन में जो होता है ना वेस्टर्न पैसिफिक गर्म, वो नॉर्मल कंडीशंस और भी ज़्यादा एग्रवेट हो जाती है. मतलब यहाँ पर गर्मी तो पहले ऐसे था ही, बाद में और भी ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपका जो गर्म पानी है वो इधर शिफ्ट करते रहता है. अब इसके कारण क्या होगा ना, इसके कारण आपको जो है कंडीशंस जो है बिगड़ती हुई दिखती है, राइट. बिगड़ती हुई दिखती है मतलब कुछ कुछ रीजन्स में ये बिगड़ती है, बट हाँ कुछ कुछ रीजन्स में ये वरदान के तरह काम करती है. जैसे अलनिनो के केस में अगर देख लीजिएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिल्कुल ड्रॉट हमें देखने को मिलता है, बट वहीं पर लानीना में जो है ना इंडियन कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, और वही चीज़ हमें भी देखने को अभी भी इस साल भी मिल रहा है. इसीलिए तो इतना ज़्यादा बाढ़ के तरह वेस्टर्न इंडिया में क्यों ऐसा हालत हो गया अचानक से, आप खुद सोच के देखो ना, दैट इज़ मेनली ड्यू टू लानीना कंडीशंस, राइट. नेक्स्ट दोस्तों, अभिजीत सेन जी के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. एक्चुअली थोड़ी तो बुरी खबर ज़रूर है, ये हमारे देश के एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, टीचर और पॉलिसी मेकर थे अभिजीत सेन, जिनकी मृत्यु हो गई है. सो उन्हीं के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इन्होंने क्या क्या ऐसा अच्छा अच्छा काम किया है. सो यस, ही वॉज रिनाउंड एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट एंड इनफैक्ट प्लानिंग कमीशन के फॉर्मर ये मेंबर भी रह चुके हैं. ही वॉज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ CACP, दैट इज कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. इनफैक्ट इन्होंने ऑथर भी किया था एक रिपोर्ट जो क्या था, हाई लेवल कमेटी ऑन लॉन्ग टर्म ग्रेन पॉलिसी, कब, सन 2000 में. रिफॉर्म्स जो क्या सजेस्ट किया गया इनके रिपोर्ट के द्वारा वह ये ऐसे हैं, ग्रेटर डाइवर्सिफिकेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट टू इंक्लूड अ मच लार्जर नंबर ऑफ क्रॉप्स एंड रीजन्स. ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन और डिसेंट्रलाइज होना चाहिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट का, ऐसा इन्होंने बोला था. साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला था दैट प्राइवेट ट्रेड के लिए जो कंडीशंस है ना, सरकार को थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देना चाहिए. इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए दोस्तों दैट ये जो MSP जो हम लोग सेट करते हैं ना, उस MSP को भी सेट करने के लिए इन्होंने अपने प्रॉपर क्राइटेरियाज दिए थे दैट सरकार को जो है C2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मद्देनज़र देखते हुए ही बेसिकली MSP को सेटअप करना चाहिए. C2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो ऐसा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसमें जो फार्मर्स का जो अपना कॉस्टिंग लगता है वो तो लगता ही है, बट साथ ही साथ जो उस लैंड में जो, अगर सोचो नहीं होकर अगर फार्मर कोई दूसरा रेंट में दे देता तो उससे जो पैसे मिलते हैं, तो वो तो पैसे किसान को नहीं मिल रहा है ना, तो वो वाला भी पैसा को इंक्लूड करने की बात की जा रही थी. दैट इज C2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इनफैक्ट एन एडवोकेट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, मतलब ही वाज एन एडवोकेट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस एज वेल. तो ये ही वाज अ वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी ऑफ कोर्स अनडाउटेडली. अब आ जाते हैं कुछ कुछ MCQs में दोस्तों. कल के MCQs जो हम लोगों ने पूछे थे, सबसे पहले दो स्टेटमेंट दिए हुए थे जिसमें पहला स्टेटमेंट था करंटली देयर आर 2 ट्रीटीज ऑफ कंजर्विंग हेल्थ ऑफ हाई सीज. नहीं, कोई भी ट्रीटीज नहीं है, राइट. तो ये तो है ही, गलत ही हो गया. दूसरा वाला इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो एक्सटेंड करता है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू. सो यस, बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज फॉकलैंड आइलैंड जो है वो अटलांटिक ओशन में मिलता है, एब्सोल्युटली. सो इसलिए करेक्ट सीक्वेंस जो है वो था BC, और सभी ने बिल्कुल सही दिया. आज के क्लास में आप लोग सभी से मैं आंसर चाहता हूं. सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू अपॉइंट अ न्यू रेगुलेटर पराग फॉर विच अमंग द फॉलोइंग डोमेन, रेगुलेटर ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन ऑल बोर्ड एग्जाम, रेगुलेटर ऑफ गिविंग सर्विलेंस ऑफ कोस्टल रीजन, अथॉरिटी टू चेक ऑन बैंकिंग साइबर फ्रॉड्स, या फिर डी ऑप्शन है अथॉरिटी टू चेक बायोमेट्रिक एनोमलीज इन आधार रजिस्ट्रेशन. आपको बताना इनमें कौन सा सही है. दूसरा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया वॉज फर्स्ट कंट्री टू रेज अपार्थाइड इशू इन यूनाइटेड नेशंस. दूसरा, इंडिया वॉज फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय ऑल वुमेन कंटिजेंट टू यूनाइटेड नेशंस मिशन. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट, वन ओनली, टू only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर लिखिएगा. विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप. दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू आवर वीडियो. थैंक यू वेरी मच.